SBI ग्राहक ध्यान दे, 1 अप्रैल से 75 रुपए महंगी हो रही है बैंक की ये सर्विस। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। SBI के करोड़ों में ग्राहक हैं। आने वाले नए वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से SBI ग्राहकों को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने डेबिट कार्ड के लिए सालाना मेंटेनेंस चार्ज बढ़ाने वाली है। ये नया मेंटेनेंस चार्ज 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा। आपको बता दें कि डेबिट कार्ड के सालाना मेंटेनेंस में SBI 75 रुपए तक की बढ़ोतरी करने जा रही है, यानी अब SBI के ग्राहकों को इस सर्विस के इस्तेमाल के लिए पहले के मुकाबले 75 रुपए अधिक खर्च करने होंगे। देश में वैसे भी आम लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं। SBI के लगभग 40 करोड़ ग्राहक हैं। ऐसे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अपने सर्विस चार्ज को बढ़ाना कई लोगों के जेब पर असर डाल सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने घोषणा में कहा है कि उसने कुछ चुनिंदा ATM कम डेबिट कार्ड पर अब पहले से 75 रुपए अधिक एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना होगा। SBI के इस ऐलान के बाद बैंक के कुछ डेबिट कार्ड को रखना अब आम ग्राहकों को जेब पर भारी पड़ने वाला है। चलिए अब आगे की चर्चा में हम आपको बताते हैं कि आखिर बैंक द्वारा किन किन डेबिट कार्ड के चार्जेस में बदलाव किए गए हैं। तो बैंक ने जिन डेबिट कार्ड के चार्जेस में बदलाव किए उनमें क्लासिक सिल्वर, कॉन्टैक्ट डेबिट कार्ड, इसके अलावा युवा, गोल्ड, कॉम्बो डेबिट कार्ड, माय कार्ड जैसे इमेज कार्ड और प्लैटिनम डेबिट कार्ड, प्राइड या प्रीमियम बिजनेस कार्ड के चार्जेस में बढ़ोतरी हुई है। आइए अब आगे हम आपको बताते हैं कि पहले इनके क्या चार्जेस थे और अब इनके क्या चार्ज कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासिक सिल्वर, ग्लोबल और कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड की। तो इसका चार्ज पहले 125 प्लस GST था, लेकिन अब ये 200 रुपये प्लस GST हो चुका है। इसके अलावा युवा, गोल्ड, कॉम्बो डेबिट कार्ड या माई कार्ड, इमेज कार्ड, इसका प्राइस पहले 175 प्लस GST था, जो अब 250 रुपये प्लस GST हो चुका है। इसके बाद आता है प्लेटिनम डेबिट कार्ड, इसका प्राइस पहले 250 रुपये प्लस GST था, जो अब 325 रुपये प्लस GST हो चुका है। अंतिम में बात करते हैं प्राइड प्रीमियम बिजनेस कार्ड डेबिट कार्ड की। तो पहले इसका प्राइस 350 प्लस GST था, जो अब 425 रुपये प्लस GST हो चुका है। हमने आपको अभी जो भी बढ़े हुए प्राइस बताए हैं ये सभी 1 अप्रैल 2024 से लागू कर दिए जाएंगे। मिली जानकारी के मुताबिक SBI क्रेडिट कार्ड के मामले में भी बदलाव होने की खबर सामने आई है। SBI कार्ड्स के मुताबिक 1 अप्रैल से उसके कुछ क्रेडिट कार्ड के मामले में रिवार्ड पॉइंट से जुड़े बदलाव लागू होने वाले हैं। इस बदलाव के आने से अब कुछ विशेष क्रेडिट कार्ड धारकों को क्रेडिट कार्ड से रेट पेमेंट करने पर अब रिवार्ड पॉइंट का फायदा नहीं मिलेगा। पहले इन्हें क्रेडिट कार्ड धारकों को क्रेडिट कार्ड से रेट पेमेंट करने पर रिवार्ड पॉइंट का फायदा दिया जाता था। इसके अलावा जिन्हें भी अभी तक क्रेडिट कार्ड से रेट पेमेंट करने पर रिवॉर्ड पॉइंट का लाभ मिल रहा है वे प्रभावित होने वाला है। 15 अप्रैल 2024 तक ये रिवॉर्ड पॉइंट एक्सपायर हो जाएंगे। तो आपके पास जो भी रिवॉर्ड पॉइंट है तो बेहतर यही होगा कि उसे 15 अप्रैल से पहले यूज़ कर लें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।